दोस्तों, मेरे पास ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है जिससे मैं ये कंप्यूटर चलाकर दिखाने वाला हूँ। ये 12 वोल्ट 13 एम्पियर की बैटरी है जिससे मैं आपको कंप्यूटर चला के दिखाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप इस बैटरी से कैसे आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक सेम बैटरी मैंने यहाँ लगा रखा है जो कि सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है। इसके पास ही एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ की लाइट वगैरह चलाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। दोस्तों, इसी बैटरी पर मैंने दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं जो सीधे हमारे कंप्यूटर के यूपीएस पर जाएंगे। चलिए अब मैं आपको हमारा यूपीएस दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहले एक बैटरी लगी हुई होती है 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की, जिसे हमने निकाल लिया है और उसकी जगह पर हमने इस बड़ी बैटरी के वायर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने इसे स्विच ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे डायरेक्ट ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारा यूपीएस ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम सीपीयू को भी ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से ऑन हो चुका है। इस तरह से दोस्तों, आप बड़ी बैटरी लगाकर आपके कंप्यूटर को ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।